तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं कपिल मुनि महाराज का ये मंदिर, जो कि बहुत भव्य और बहुत खूबसूरत दिखता है। पूरा देव द्वार का ये मंदिर बहुत खूबसूरत। कपिल मुनि महाराज का मंदिर है, मुझे लगा रघुनाथ महाराज का मंदिर है। नाम मैं इनका भूल गया, लेकिन इनका नाम है आशिका और इनका नाम है अंजलि। स्टार्ट करने आती है? यस। कर दे स्टार्ट। इसको छोड़, ऐसे घूमने पर्पज के लिए जान देंगे अंदर। मैंने कोशिश भी करी थी, शायद परमिशन मिल जाए हमें और हम अंदर जा सकें। बस पे निकले करते थे पानी के फुहारे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नाम है राहुल दावत, मेरे चैनल का नाम है उत्तराखंड का लड़का और मैं व्लॉग करता हूँ उत्तराखंड के नेत्री खूबसूरत गाँव। आपको पता है पिछले व्लॉग में मैं आया था घर, और आज ये मतलब पहला व्लॉग है बहुत लंबे समय बाद जो कि घर से बन रहा है, अपने गाँव से बन रहा है। आज का जो व्लॉग है वो भी लेट में शुरू हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं और अभी जाने वाले हैं छोटी सी राइड पे। अनमोल ने सिर्फ मुझे बोला है कि भैया चलना है, बाकी प्लान जो है ना वो सारा अनमोल का है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बाकी अनमोल ना आगे चल दिया है और अनमोल मेरा वेट कर रहा है, जो भी होगा कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है, अनमोल ने ऐसा कुछ बोला है। आप अनमोल वेट कर रहा था मेरा, तो मैंने पहले बोला तो आगे निकल जाना, और अगर साथ में देखेंगे तो बोलेंगे दो दो गाड़ियां लेके कहाँ जा रहे हैं दोनों लोग। नहीं तो हम एक ही गाड़ी पे आते हैं दोनों हमेशा, मार्केट कहीं घूमने घूमने जा रहे हैं आसपास ही कहीं नजदीक की जगह, बिना धो के मस्त निकल रहे हैं बाजार के लिए, और बाकी जो होगा व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो जी, हम निकलते हैं यहाँ से। अनमोल चले, क्या सीन है फिर? चलो ना, अनमोल का सीन है भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता, अनमोल ने बोला है चलना है बल। मैंने ठीक, तो देखते हैं अनमोल कहाँ लेके चलता है मैं साथ में। चलो, अनमोल को फोन भी आ रहा है भाई, तो चलो बड़ा पड़ते चलते हैं, आपको मिलते हैं लोकेशन पे। फोन पे आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, तो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अनमोल और मैं, ठीक है। और यहाँ पे भीड़ बहुत लगी हुई है और यहाँ पे शायद पेट्रोल नहीं है, लेकिन हम यहाँ से पेट्रोल लेके रहेंगे जैसे मर्जी लेंगे। सब बंदे चले गए जो भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ना मशीन नहीं चल रही है पेट्रोल की बिल्कुल भी। आज आपको दिलाना पड़ता है बार बार, इसको सब्सक्राइब करना है बहुत ज़्यादा और यहाँ फॉलो करना है राहुल दावत इंस्टाग्राम। अगर मैं यहाँ टायर पंचर की दुकान है, तो ये कह रहे कि जितने में यहाँ पे मिलता है ना पेट्रोल पंप में, उतने में हमें वहाँ से पेट्रोल दिलवा देंगे। अभी अनमोल जा रहा है पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम बोलना कि वहाँ पे पेट्रोल पंप वालों ने, तो अभी जा रहा है अनमोल, वहीं लेके जाते हैं गाड़ी। पेट्रोल पंप के बाद सीधे हम आ चुके हैं वो रोड पे, और आपको पता होगा यहाँ से ना बहुत बार ट्रेवल करा है अपने, जो मोरी वाली रोड जाती है ना हनोल के लिए, तो ये हनोल वाली रोड है और ये जस्ट हनोल जा रही है और अपना पूरा पर्वत से हिमाचल तक जाती है। और अनमोल ये रहा यहाँ पे, और अनमोल के साथ आ रखे हैं अनमोल के कुछ फ्रेंड है, और जो कि इनका नाम है, नाम मैं इनका भूल गया, लेकिन इनका नाम है आशिका और इनका नाम है अंजलि और इनका नाम है ऐश्वर्या। अनमोल को आप जानते ही हो, हमारे गांव का अनमोल पंवार। एक दो छोटे भाई अपने और आ रहे हैं, मतलब कौन कौन आ रहे हैं, सूरज आ रहे हैं, नितिन आ रहे हैं, और उनका वेट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब बहुत देर से कर रहे हैं, तो वो भी पेट्रोल पंप गए हैं, और पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल मिल भी नहीं रहा, हम बड़े मुश्किल से एडजस्ट करके यहाँ तक पहुँचे और वेट करते करते ये लोग थक गए भाई। कितना वेट करा अनमोल? फिर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, फिर क्या, कोई नहीं आगे चलते, कुछ छोड़े और चलते भाई। चलो आगे व्यू दिखा दे आपको, मस्त सा नजारा आपको देखने को मिलने वाला है। गाड़ियाँ यहाँ पे मस्त लगा दी है पार्किंग पे, और हम जा रहे हैं पूरा गांव के इस रघुनाथ मंदिर के पास, जो कि अभी अभी नया बना है पूरा गांव में, ठीक है। और बहुत भव्य मंदिर ये देखने को मिलने वाला है आपको, तो आपको दर्शन करवा देंगे ना, उसके बाद हम जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में। बहुत हाइट में भी है और हाइट से बहुत प्यारा व्यू देखने वाला है। आ चुके हैं मंदिर के पास, जो कि पूरा का बहुत भव्य मंदिर है, और ये अभी हाल ही में ही बना है, जो कि पूरा ना देव द्वार का बना हुआ है भाई। यहाँ पे ना बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे कि आप देखोगे ना इधर पे, तो टाइल टुकड़े छोटे छोटे मिल जाएंगे, रील्स यहाँ पे देख रहे हो, अभी पूरा काम यहाँ पे ना हुआ नहीं। अंकल कौन सा मंदिर है ये? मुनि महाराज का मंदिर है। अच्छा, मुनि महाराज का। अच्छा, मैं तो ये कर रहा कि रघुनाथ महाराज का होगा, कपिल मुनि महाराज का मंदिर है, मुझे लगा रघुनाथ महाराज का मंदिर है। बाकी सभी देवी देवता तो एक समान ही है दोस्तों। बाकी अभी इसकी प्रतिष्ठा होगी, अब इसकी प्रतिष्ठा होगी मंगसिर में होगी। अच्छा, अभी बन रहा है, काम चल रहा है यहाँ पे, चल रहा है सारा सारा मंदिर ही है, उसका देवद्वार का ही बना होगा। और हमारे पहाड़ में जो भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे ना, वो सारे देवद्वार के देखने को मिलेंगे, जो कि शुद्ध, सबसे शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है देवद्वार का, कुछ चित्र बोल सकते हो आप, है ना, जो कि मंदिर में बना रखी है। और यहाँ पे विष्णु भगवान का भी बहुत बड़ी मूर्ति,
बनी हुई है, तो ऐसे कुछ कलाकारी होती है दोस्तों। ये देख रहे हो छोटे छोटे से गुटके लगा रखे हैं जो कि देवदार के होते हैं सारे ऐसे। पहाड़ों के ना बीचों बीच है ना बहुत ज्यादा सनसेट हो रहा है, यही यही खूबसूरती अपने पहाड़ की होती है। पूरा देवदार का आप ऊपर भी देखोगे ना छत, तो छत भी आपको सारा देवदार का ही देखने को मिल जाएगा। और भाई सबसे मेन चीज आपको ये भी बता दूं कि ये ऑलरेडी यहाँ पे देवदार है भाई सारा, जो कि मतलब देवी देवताओं का जो जंगल होता है देवदार का, तो उन्हीं के लिए ये लकड़ी यूज की जाती है। तो ऐसे कुछ पेड़ होते हैं देवदार के। सामने यहाँ से सीधे दिखता है भाई पूरा गांव, बहुत प्यारा नजारा है। हम जाने वाले हैं जेबीएन ऊपर, यहाँ से ना बहुत हाइट में है, तो वहां से ऊपर से ना आपको ये नजारा ना बहुत खूबसूरत देखने को मिलने वाला है। और यहाँ ऊपर यहाँ पे हमने जाना है, ऊपर से नजारा तो देखने को मिलने वाला है। अगर यहाँ से भी आप देखोगे ना बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, और ये पूरा ना अपना रामा सेराई का व्यू है दोस्तों। जैसे गांव होते हैं ना तो बहुत क्लोज होते हैं, मतलब कि अगल बगल में सारे गांव होते हैं, जैसे हमारे परोला से थोड़ा सा नीचे को ऐसा है कि अलग अलग होते हैं, पर उतने क्लोज नहीं होते जितने इधर होते हैं। इधर पांच छह गांव ना इकट्ठे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है एक ही गांव का पूरा। आ जाएगी बता, स्टार्ट कर, स्टार्ट करनी आती है। यस कर दे स्टार्ट। नीचे वो तो करो कौन चाबित करो नहीं नहीं दवा उसको पूरा दवा। हाँ चलना चला लेगी, चला लेगी एक बार फिर से। वो कर रही लेट ना बहुत ज्यादा हो गया था उनकी वजह से जो आ रहे थे, लेकिन वो भाई लोग आए नहीं अपने तो जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे अनमोल कुछ कलाकारी कर रहा है, ड्रिफ्टिंग कर रहा है, तो बना देते हैं इसकी वीडियो छोटी सी। पहुंच चुके हैं जेएनबी के ऊपर, और यहाँ पे ना जेएनबी का गेट है सामने, और एक बार ना गार्डन से पूछते हैं, अंदर तभी जाने देते हैं जब कोई रिलेटिव हो, तभी वो अंदर जाने देते हैं, ऐसा तो शायद घूमने के पर्पस से नहीं जाने देंगे शायद मेरे हिसाब से। बाकी एक बार चलते हैं बात करते हैं इनसे। यह है जेएनबी का जवाहर नवोदय विद्यालय का गेट, तो यहाँ पे गार्डन गर्ल बैठते हैं बगल में, जैसे कोई मिलने तो साहब से बात कर। अच्छा ऐसे घूमने पर्पज़ के लिए जान देंगे अंदर, जैसा कि मैंने बताया था ना कि ऐसे घूमने पर्पज़ के लिए हम अंदर जान सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है और मस्त व्यू है इधर। बाकी व्लॉग आपने एक मेरा देखा होगा, पहन से मिलने भी गए थे पहले, लेकिन आज हम बहुत लेट हो गए, और लेट भी हो गए ना वैसे भी। मैं तो इधर से हूँ परोला से, नेत्री से। हाँ जी हाँ जी, सुनील रावत। तो अंकल अपने जानने वाले निकल गए, अंकल हुडोली से हैं, अंकल की ड्यूटी यहाँ पे है मतलब, है ना। तो अभी तो शाम को तो वैसे अभी जान देंगे, मतलब टाइम हो गया। हाँ वही हाँ, तो ठीक है अंकल, चलो जी बाकी चलते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था ना कि टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने कोशिश भी करी थी कि शायद परमिशन मिल जाए हमें और हम अंदर जा सकें नवोदय विद्यालय के अंदर, बहुत प्यारा व्यू है। हो सके तो एक स्पेशल व्लॉग दूसरा मैं आपके लिए बनाऊँगा जो कि नवोदय विद्यालय के अंदर से आएगा। आपको भी बता देते हैं कि वहाँ पर ना वो लोग मना कर रहे थे,
तो वो लोग मना कर रहे हैं, अंकल को बुझाए ना। मैंने बोला अंदर चलते हैं, और उन्होंने बोला कि अब नहीं आ सकते, बोले टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो बाकी चल रहे वापसी चल रहे भाई। अनमोल कौन था वो जो नहीं आ रहा था? आज मैच जीता नहीं जीता पहले? जीत रखा था, जीत रखा था। कितने दिन हो गए हारते हारते? अली तो हारे, राज हारे, और तो बराबरी में चल रहे, लीड पड़ी हुई है। परसों भी तो हारे होंगे शायद, परसों परसों बराबर रहा। सारे भाई लोग यहाँ पे अपने, मैच तो इनका ख़त्म हो ही गया, खैर मैच खेल रहे थे तो मैच हम साथ में हमेशा खेलते हैं, बाकी आज तो ख़त्म ही हो गया ना। कोई वॉलीबॉल खेलने आ रखे है ना, कोई फुटबॉल खेल दे, और अलग अलग जगह खेल दे भाई, बहुत सही। और यहाँ पे ना पार्क भी है मस्त वाला, पार्क में भी आपको लेके चलते हैं वर्कआउट के लिए। पार्क में बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा। पार्क के अंदर आ चुके हैं, मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पे ना स्टेडियम के बगल में आपको ना यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए मस्त मस्त यहाँ हल्की फुल्की वगैरह कर देखने, यहाँ पे पूरा मस्त लगा। यहाँ पे ना जो सामने की तरफ ना यहाँ पे पानी में आता था, लेकिन आजकल पानी नहीं आ रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा होगी मतलब प्रोला में भी, कि यहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे ना मस्त पानी निकलता था, बल्कि यहाँ ना गीला गीला आप देख रहे हो नीचे, अभी भी यहाँ पे आपको गीला गीला देखने को मिल जाएगा, और इस पर निकले करते थे पानी के फुहारे। बाकी ऐसा कुछ नज़ारा इस पार्क का, और यहाँ पे बैठ के भी मस्त अनमोल को करने वालों में फोटो वीडियो सेंड। फोटो चाहिए आज की सारी है ना, और उनकी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड है, उनकी फ़ोटो भी चाहिए, उसको वीडियो सेंड कर देगा इनको, है ना। बाकी ये कुछ नज़ारा है यहाँ पार्क का, मस्त। चलो जी, बाकी वैसे तो लो लाइट हो ही चुकी है और अंधेरा भी होने वाला है, व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और बहुत जल्द मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, है ना। चलो जी।